तो सबसे पहले सर्विस करने के लिए इसे जो है हमने खोल लेना है। इस तरह से खोलने के बाद देखिए इसके अंदर ये जो कितनी डस्ट मिट्टी है इसको अच्छी तरीके से साफ कर लें। अब साफ करने के बाद में ये जो आप देख रहे हैं इसको इस तरह से घुमाने पर इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद देखिए इसके अंदर जो डस्ट वगैरह होती है इसकी वजह से ही कूलर का जो पंप है वो बंद होता है। और ये जो इसके अंदर फैन होता है इस फैन को इस तरह से पकड़कर हमें जो है बाहर निकाल लेते हैं। तो ये जो बाहर निकालने के बाद में ये देखिए जो ये मैग्नेट है इस मैग्नेट के ऊपर कितनी सारी डस्ट है, गंदा हुआ पड़ा है। इसी की वजह से जो है पंप हमारा काम नहीं करता है। इसे साफ करना है पानी के साथ। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसकी जो शाफट है, शाफट के ऊपर भी कितनी गंदी हुई है, डस्ट है। इसे साफ करना है और इसके अंदर जो है हमें पानी डालकर इस तरीके से साफ करना है। अब जो है बिल्कुल क्लीन हो चुका है और ये जो शाफट है हमने जैसे निकाली थी उसी तरीके से वापस लगा देनी है। और ये जो मैग्नेट है इसे भी हमने शाफ्ट के ऊपर ऐसे लगा देना है और जो इसका कवर है वो भी लगा देना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।